हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे। तो सुबह की गुड मॉर्निंग हो गई है दोस्तों, अब हम लोग चाय बनाना शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 इलायची लिया है, इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। और ये काली मिर्च का पाउडर है, और ये हमने सूखी हुई अदरक का पाउडर मैंने लिया है, जो कि इसकी वजह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम 2 कप चाय बनाएंगे। 2 कप चाय बनाने के लिए हमने 1.5 कप पानी लेंगे दोस्तों। ये 1 कप हो गया और ये आधा कप और हो गया, क्योंकि हम 1 कप दूध भी लेंगे और इसमें पानी अच्छे से उबाल आनी चाहिए। और स्टार्टिंग में ये हाई भी करना है, थोड़ा सा उबाल आने लगे उसके बाद हम इसमें सारा जो जो डालना है सब हम डालेंगे। इसमें अदरक, इलायची, काली मिर्च, सारा चीज़ अब इसमें डालेंगे। तो थोड़ा उबाल आने देते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं चाय का, अच्छी अच्छी चाय बनाना। तो ये मैंने इलायची को कूट लिया है अच्छे से, और अब इसमें हम डालेंगे, क्योंकि पानी अच्छे से उबाल आने वाला है, उबाल आ भी गया है। और ये है अदरक का पाउडर, जो कि इससे चाय बनाने में बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है। अभी दोस्तों इसकी चाय बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और ये है काली मिर्च का पाउडर, जो कि आजकल ठंडियाँ चल रही हैं और अच्छे से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अभी देखो दोस्तों, उबाल आने लगी है। अब इसका सारा इंग्रेडिएंट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। उसके बाद दोस्तों ये चीनी चीनी हम डाल रहे हैं, जो कि 2 कप बनाएंगे तो 2 कप के हिसाब से मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। दोस्तों इसको चलाते रहें, जिसे देखिए अब बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अब इसके बाद इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चाय पत्ती है। और देख लीजिए आप दोस्तों, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि कितना अच्छा कलर आ रहा है। और इसके बाद अब इसमें स्लो कर दो, फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दो। देखो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और दोस्तों मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहती हूँ कि इसमें जिसमें जिसमें थोड़ा सा भी जिसके गले में खराश वगैरह हो, तो उसमें थोड़ा सा हम नमक भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा, जिससे कि खराश वगैरह जो होती है वो अच्छे से मतलब गला गले को साफ कर देती है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग को गले में या सभी लोगों को ज़्यादातर ठंडियों में खराश आती है, तो गले में थोड़ा सा इस टाइप का रहता है। तो अभी नमक डालने के बाद हम लोग 1 कप दूध भी डालेंगे, जो मैंने कि बोला था कि 2 कप चाय बना रहे हैं तो 1.5 कप पानी डाला था, अब 1 कप दूध डाल रहे हैं। ये दूध मैंने फ्रिज से काफ़ी देर पहले निकाल लिया था, जिससे कि कलर आप लोग देख लोगे कि बहुत ही अच्छा आ रहा है चाय का कलर। इसको बीच बीच में चलाते भी रहें। दोस्तों ये उबाल आ गई है, उबाल आ रही है, और इसको थोड़ा सा स्लो स्लो उसमें कर दीजिए, तो जिससे कि अच्छे से पकनी चाहिए चाय को। और चाय जितना अच्छे से पकेगी उतना ही टेस्ट अच्छे से आता है दोस्तों। अभी ये हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, तभी अच्छे से इसका, और बीच बीच में ऐसे चलाते भी रहिए, जिससे कि इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से मिक्स और अच्छे से हो जाए।
दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से उबाल आ रहा है चाय में, और बहुत ही अच्छी टेस्टी चाय बनी हुई है। ये देखिए सब चीज़ अच्छे मात्रा में पड़ा हुआ है दोस्तों। अभी अभी इसमें हम बहुत अच्छा से ही इसका अच्छे से टेस्ट करके दिखाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी चाय ये लगने वाली। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आ रहा है, जिससे कि बहुत ही अच्छी चाय बनने वाली है। तो दोस्तों मेरी चाय बन चुकी है, और हम अभी आपको दिखाते हैं कि कितनी अच्छी चाय बन के रेडी हो गई। ये रही हम लोगों की चाय, जो कि बहुत ही टेस्टी बनके रेडी। तो दोस्तों ये रही मेरी चाय और मेरा स्नैक्स, और अब हम लोग ये पीने जा रहे हैं। ये बहुत यम्मी बनी हुई है दोस्तों। अब हम बाय दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।